Hello everyone, today we are going to continue chapter 5 food, health and hygiene of class 5th science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue our next topic, that is diseases. Children, disease word two words se milkar bana hai, dis and ease, that mean not comfortable. जब किसी पर्सन को कोई डिसीज़ होती है तो वह कंफर्टेबल फील नहीं करता है, राइट? नाउ व्हाट इज डिसीज? डिसीज इज अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली. डिसीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट या पूरी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है. एंड जनरली डिसीज टू टाइप्स के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिसीज. First, we will discuss about non-communicable diseases. Diseases that cannot be passed from one person to another are called non-communicable or non-contagious disease. वो disease जो एक person से दूसरे person में pass नहीं होती है, उस disease को non-communicable या non-contagious disease कहते हैं. Some of the non-communicable diseases can be due to deficiency of nutrition in our food. कुछ non-communicable disease हमारे food में nutrition की कमी के कारण होती हैं. हमारे food में nutrition की कमी के कारण हमारी body में nutrition की deficiency हो सकती है. और जो disease lack of nutrition की वजह से या malnutrition के कारण होती है, उस disease को deficiency disease कहा जाता है. डिफिशियंसी डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन इन विच द पेशेंट इज डिफिशियंट. पेशेंट को जिस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है, उस न्यूट्रिशन को उस पेशेंट को प्रोवाइड करने के साथ डिफिशियंसी डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है. क्लियर? सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज are caused by harmful substances present in the environment. हमारे environment में कुछ harmful substances present हैं, right? जिनके कारण कुछ non-communicable disease भी होती हैं. जैसे fumes from cars and factories can cause disease of the lungs and heart. Vehicles like cars and factories से निकलने वाले fumes means धुएँ से की वजह से लंग्स और हार्ट की डिसीज हो सकती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बैड हैबिट के कारण भी होती है. जैसे स्मोकिंग. स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिसीज. स्मोकिंग हार्ट डिसीज और ब्लड डिसीज के लिए एक मेजर कॉज है. नाउ सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिसीजेज. चिल्ड्रन, कम्युनिकेबल डिसीजेज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अपोजिट है. द डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और कॉन्टेजियस डिसीजेज. वो डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती है, उन डिसीज को कम्युनिकेबल या कॉन्टेजियस डिसीज कहा जाता है. सम माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर और आर फूड. दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी ये एयर, वाटर और हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. और इन माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स को हम अपनी आइज से डायरेक्टली नहीं देख सकते. अनकवर्ड फूड और वाटर में ये हो सकते हैं. दीज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स कॉल्ड जर्म्स कॉज कम्युनिकेबल डिसीज. और जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स जिसे जर्म्स भी कहा जाता है, जर्म्स के कारण होती हैं, उन डिसीज को कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है. सर्टेन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आल्सो स्प्रेड फ्रॉम सम डिसीजेज. कुछ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कुछ डिसीज को स्प्रेड भी करते हैं. फ्लाइज डर्टी प्लेस पर बैठती है, उसके बाद वह डर्टी प्लेस से जम्स अपने साथ लेकर आती है और अनकट फूड पर बैठ जाती है, और इस तरह से एक फ्लाई
डिसीज़ को स्प्रेड करती है। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज आर मैंशन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में कुछ कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल्स मैंशन है, इसके साथ उनके कॉस्ट भी गिवन है और सोर्सेज भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा मीन्स हैजा। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है और ये सोर्सेज इसके हैं फूड वाटर एंड फ्लाइज। ये बैक्टीरिया जिसके कारण हैजा फैलता है, कोलेरा फैलता है, ये फूड वाटर और फ्लाइज के कारण होते हैं। नेक्स्ट मलेरिया को लेते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड इट्स सोर्स इज मॉस्कीटो एंड जॉन्डिक्स। चिल्ड्रन जॉन्डिक्स डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट्स सोर्स इज पॉल्यूटेड वाटर। जब हम वाटर को क्लीन करके नहीं पीते हैं तो हमें कुछ कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है, लाइक जॉन्डिक्स, कोलेरा, टाइफाइड एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। कुछ डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मिजल्स, वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज टीवी और स्किन डिसीज, ये किसी सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने पर स्प्रेड होती है। इट मीन्स अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है या उसके सिक पीपल की थिंग्स को यूज करता है तो वह भी सिक हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। चिल्ड्रन हमें कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। जर्म्स के कारण कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज का क्या कारण है? जर्म्स हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जर्म्स की ग्रोथ को चेक करते रहें, उन्हें रोकने के लिए प्रिकॉशंस लें। फर्स्ट प्रिकॉशन इज द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस। सेकेंडली ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, वाटर प्योरीफायर्स और फिल्टर शुड बी यूज टू क्लीन द वाटर। हमें क्लीन और प्योर वाटर का यूज करना चाहिए पीने के लिए, और वाटर को क्लीन करने के लिए वाटर प्योरीफायर और फिल्टर्स का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नाइदर फ्लाइज नॉर मॉस्किटोज कैन ब्रीड देयर। घर के आसपास का एरिया नीट और क्लीन रहना चाहिए जिससे कि वहाँ फ्लाइज और मॉस्किटोज ब्रीड ना कर सकें। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वाटर शुड नॉट बी स्टेग्नेट इन पडल्स अराउंड द होम। घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और ड्रेन्स भी कवर्ड होनी चाहिए। नंबर फाइव चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिसीज। कुछ कम्युनिकेबल डिसीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लाइक टीवी, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। चिल्ड्रन को प्रॉपर वैक्सीन डिसीज के अगेंस्ट मिलनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजीन। चिल्ड्रन हाइजीन का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, तो हमें हाइजीन का ध्यान रखना होगा जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। हेल्थ एंड हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएट टू ईच अदर। द वर्ड हाइजीन, वर्ड हाइजीन में इंक्लूड किया जाता है पर्सनल हाइजीन मीन्स बॉडी की क्लीनलीनेस, इसके साथ ही हमारे आसपास की सफाई को हम उसमें इंक्लूड करते हैं हाइजीन में। और पर्सनल हाइजीन हेल्प करती है डिसीज को प्रिवेंट करने में। फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड हेल्थ वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड हाइजीन। फर्स्ट वन इज वी मस्ट क्लीन आवर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी में जर्म्स, डेड सेल्स और डस्ट को रिमूव करने के लिए हमें सोप और वाटर का यूज करना चाहिए बात करते समय। एंड वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स थ्रोली विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूरिनेशन यूजिंग टॉयलेट हैंडलिंग पैड्स एंड टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हम टच करते ही हैं, इसलिए बाहर से आने के बाद या टॉयलेट से आने के बाद
या किसी पेट को टच करने के बाद अपने हैंड हमें प्रॉपर वॉश करना चाहिए बाय यूजिंग सोप एंड वाटर. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए बिकॉज ब्रशिंग रिमूव्स द फूड पार्टिकल्स स्टक ऑन द टीथ एंड प्रिवेंट्स जर्म्स टू अटैक द टीथ. क्योंकि ब्रशिंग हमारी टीथ में जो पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करते हैं. इसके साथ ही ब्रशिंग हमारे टीथ को जर्म्स के अटैक से भी बचाती है. एंड इन द किचन ऑल फूड आइटम्स वेदर कुक्ड और अनकुक्ड शुड बी कवर्ड एंड कैप्ड एट हाइट. किचन में कोई भी फूड आइटम चाहे वो कुक्ड है या अनकुक्ड है उसे कवर करके रखना चाहिए. इसके साथ ही उसे हाइट पर रखना चाहिए थोड़ी ऊंचाई पर जिससे कि उसके आसपास कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स ना आ पाएँ और हमारा फूड सेफ रहे हाइजीन रहे. किचन में इन्फेक्शन फैलाने वाले क्रीचर्स पेस्ट और इंसेक्ट्स से भी हमें किचन को साफ रखना चाहिए. आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारी आईज इंपॉर्टेंट हैं. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. इसीलिए हम अपनी आईज की प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए. हम अपनी आईज की टेक केयर कैसे कर सकते हैं. वी मस्ट वॉश आर आईज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर एंड गिव देम प्रॉपर रेस्ट. अपनी आईज को प्रॉपर रेस्ट देकर और इसके साथ ही रेगुलरली अपनी आईज को कोल्ड वाटर से क्लीन करके हम अपनी आईज को प्रोटेक्ट रख सकते हैं. एंड वी मस्ट ट्रिम आर नेल्स रेगुलरली. हमें अपने नेल्स को ट्रिम रेगुलरली करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग नेल्स आर होम टू डर्ट एंड जम्स. क्योंकि लॉन्ग नेल्स डर्ट और जम्स का घर हो सकते हैं. एंड लास्ट वन इज आवर सराउंडिंग शुड आल्सो बी क्लीन्ड. हमारे आसपास का एरिया हमें क्लीन रखना चाहिए और गार्बेज हमें किसी कवर डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. इसके साथ ही घर के आसपास कूलर्स में पानी इकट्ठा ना हो इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मॉस्किटोज और फ्लाइज वहाँ अपना ब्रीड ना कर सके. क्लियर चिल्ड्रन. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ए पार्ट चूज द करेक्ट आंसर. द वैरायटी ऑफ फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. फूड की वैरायटी जिसमें सभी न्यूट्रिशंस प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए इस डाइट को कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट. सेकंड वन कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड है बट एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉज. अगर हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है ओबेसिटी. कार्बोहाइड्रेट्स कॉज ओबेसिटी. आंसर इज सी पार्ट करेक्ट आंसर. थर्ड प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस. नंबर फोर द न्यूट्रिशंस दैट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी आर फैट्स. नंबर फाइव ऑरेंजेस ग्रेप्स एंड कैरेट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स. नंबर सिक्स स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. सेवन राशिज सफरिंग फ्रॉम गोइट्री सी शुड बी गिवन अ डाइट रिच ऑफ आयोडीन. एट जॉन्डिक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. नाइन अ डायरेक्ट डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस एच आई वी दैट अटैक्स द इम्यूनिटी सिस्टम इज एड्स. चिल्ड्रन एच आई वी वायरस के कारण होने वाली डिसीज है एड्स और इस एच आई वी वायरस के अटैक एच आई वी वायरस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता है और इसकी कारण होने वाली डिसीज है एड्स. नेक्स्ट डिफिशियंसी डिसीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट गिव शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट वन इज व्हाई डू वी नीड फूड. आंसर वी नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी. सेकेंड इज विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए. इट इज नाइट ब्लाइंडनेस. क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई डज आर बॉडी नीड प्रोटीन. हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड क्यों होती है. आर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर
फॉर रिपेयरिंग ऑफ बॉर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज. हमारी बॉडी को सेल्स को रिपेयर करने के लिए और बॉडी टिश्यू को बनाने के लिए प्रोटीन की नीड होती है. इसके साथ ही प्रोटीन हमारी बोन्स और मसल्स की ग्रोथ में प्रॉपर हेल्प करता है. प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स. फोर्थ, व्हाट कॉजेस मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड इट्स सोर्स इज मॉस्किटो. फाइव, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए वाटर जरूरी क्यों है. बिकॉज वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड ग्रोथ ऑफ आर बॉडी. क्योंकि वाटर हमारे फूड के डाइजेशन में प्रॉपर रोल प्ले करता है. इसके साथ ही हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी वाटर हेल्प करता है. सी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, नेम टू कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया. आंसर, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बी पार्ट, वायरस. आंसर, पोलियो एंड डेंगू फीवर आर कॉज्ड बाय वायरस. सी, प्रोटोजोआ. आंसर, मलेरिया एंड डायनेस्ट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिवेंट डिसीजेज फ्रॉम स्प्रेडिंग. चिल्ड्रन, हियर आर फोर प्रॉपर मेजर्स. फर्स्ट वन इज द हाउस शुड बी डिसइनफेक्टेड. इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन. सेकेंड, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन. वाटर प्योरीफायर और फिल्टर शुड बी यूज टू क्लीन द वाटर. हमें अपने हाउस को इन्फेक्शन फ्री रखना होगा. इसके साथ ही हाउस हमारा वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर हो. इसके साथ ही हमें वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए प्योरीफायर या फिल्टर्स का यूज करना चाहिए. एंड द एरिया अराउंड योर हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. हमारे घर के आसपास का एरिया नीट और क्लीन रहना चाहिए और जिससे कि घर के आसपास फ्लाइज और मॉस्किटोज ब्रीड ना कर सकें. फोर, वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट इन पडल्स अराउंड द हाउस. ड्रेन शुड बी कैप्ट कवर्ड. क्वेश्चन थ्री, नेम डिफरेंट न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन फूड. डिस्क्राइब एट लीस्ट वन फंक्शन ऑफ ईच. यहाँ आपको न्यूट्रिशंस के नेम देने, इसके साथ ही एक फंक्शन उसका डिस्क्राइब भी करना है. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क. सेकेंड, प्रोटीन. आर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयरिंग ऑफ वॉर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज. थर्ड, फैट. फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी. फोर्थ, वाटर. वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर. वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. फोर्थ, यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेबल डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती है, मीन्स फैलती है. जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एंड कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गनाइजम्स. कम्युनिकेबल डिसीज माइक्रो ऑर्गनाइजम्स के कारण स्प्रेड करती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी. जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज न्यूट्रिशंस की कमी के कारण होती हैं, या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनके कारण होती हैं, या किसी बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती हैं. फाइव क्वेश्चन, लिस्ट फॉर कोजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज. यहाँ आपको कम्युनिकेबल डिसीज के फॉर कोजेज बताने हैं, क्या रीजंस हैं. कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गनाइजम्स. कम्युनिकेबल डिसीज माइक्रो ऑर्गनाइजम्स के कारण होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस. सेकेंड, सम आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो बिट्स. कुछ कम्युनिकेबल डिसीज इंसेक्ट के काटने से होती हैं, जैसे कि मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, राइट. सम आर कॉज्ड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. कुछ डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज
कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित फूड और वाटर के कारण भी होती हैं। सम डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन थ्रू स्नीजिंग कफिंग और बाय यूजिंग थिंग्स ऑफ सिक पीपल। कुछ कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कॉमन कोल्ड है, ये किसी सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने पर स्नीचिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा या किसी सिक पर्सन की थिंग्स को यूज करने के कारण हो सकती हैं। डी पार्ट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। प्रोटीनेटेड फूड आर मिल्क प्रोडक्ट एंड पीनट्स। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट फूड आर ब्रेड एंड प्रोटोजोआ, सॉरी ब्रेड एंड पोटैटोज। फैटी फूड चीज एंड बटर। कम्युनिकेबल डिसीज आर पोलियो एंड मलेरिया। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर डायबिटीज एंड अस्थमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द ऑड वन आउट गिविंग रीजन। फर्स्ट, राइस व्हीट ऑरेंज पोटैटो। ऑरेंज इज ऑड वन आउट। ऑरेंज इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज ऑल अदर्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। राइस व्हीट एंड पोटैटो कार्बोहाइड्रेट इनमें अधिक पाया जाता है जबकि ऑरेंज में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है। सेकंड, फास्ट फूड इज अनहेल्दी फॉर अस बिकॉज ऑल अदर्स आर एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड इन आवर फूड। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और मिनरल्स ये तीनों ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं जबकि फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। थर्ड, बेरी बेरी रिकेट्स ट्यूबरक्लोसिस एंड गोइट्री। आंसर, ट्यूबरक्लोसिस डेट इज टीवी। टीवी इज कम्युनिकेबल डिसीज बिकॉज ऑल अदर्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जबकि बेरी बेरी रिकेट्स और गोइट्री नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। नंबर फोर, लेट नाइट स्लीप। लेट नाइट स्लीप इज नॉट हेल्दी वेयर एज ऑल अदर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिट एंड हेल्दी। जबकि रेस्ट और हाइजीन और एक्सरसाइज तीनों हमारे हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं और लेट नाइट स्लीप हमारे लिए हेल्दी नहीं है। नंबर फाइव, टेप बॉम। टेप बॉम कैन बी सीन विद नेक्ड आइज क्योंकि टेप बॉम को हम अपनी आइज से डायरेक्टली देख सकते हैं। वेयर एज ऑल अदर्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जबकि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस को हम अपनी आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते। क्लियर? नाउ क्यूक असाइनमेंट, यहाँ आपको मार्क करना है अगेंस्ट द करेक्ट वर्ड एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। फर्स्ट, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस। नंबर थर्ड, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज कॉल्ड मल न्यूट्रिशन। जब फूड में न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है इसे कहा जाता है मल न्यूट्रिशन। नंबर फोर, कॉमन कोल्ड इज कम्युनिकेबल डिसीज। कॉमन कोल्ड क्या है? कम्युनिकेबल फैलने वाली डिसीज है। फाइव, पोलियो इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। नाउ फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आप फिल करेंगे फूड। फूड इज नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सेकेंड, फूड विद ऑल द न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जब फूड में सभी न्यूट्रिशंस सही मात्रा में पाए जाते हैं तो इसे कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। नंबर थर्ड, फैट्स रिमेन स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज। फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, इसका यूज हमारी बॉडी बाद में करती है। नंबर फोर, विटामिंस एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय आर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। द मल न्यूट्रिशन कॉज डिफिशियंसी डिसीज। नेक्स्ट सी पार्ट, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फूड विद ऑल द न्यूट्रिशंस इज बैलेंस्ड डाइट। सेकंड, डिसीजेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिसीज। जो डिसीज इन्फेक्शन के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। नंबर थर्ड, डिसीजेज दैट कैन पास फ्रॉम वन सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। जो डिसीज एक सिक पर्सन से
हेल्दी पर्सन में पास होती हैं उन डिसीज को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीज। नंबर फोर, डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इज स्कर्वी। डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज गोइट्री। डी पार्ट जिसमें आपको मैच करना है विद कॉलम ए, कॉलम ए विद कॉलम बी। सोयाबीन मैच विद प्रोटीन। सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन इज रिच ऑफ प्रोटीन। सेरेल कार्बोहाइड्रेट्स। सनलाइट में क्या पाया जाता है चिल्ड्रन, विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस इज हेल्प इन बिल्ड आवर बोन्स। नंबर फाइव, मलेरिया। मलेरिया इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। क्लियर चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीट। थैंक यू।